शब्दों में ताकत है, शब्दों में ताकत है। केन्या में एक आदमी आत्महत्या करने वाला था। आत्महत्या करने से पहले एक मिनट विचार आया, जब मैं ही मर रहा हूं तो दो चार को साथ लेके मरो। उसने एक विज्ञापन दिया अखबार में छोटा सा। केन्या देश के समस्त वासियों को सूचित किया जाता है, जिसको अपने दुख से मुक्त होना है, संसार के सारे दुखों से मुक्त होना है, वो कल शाम को 5 बजे फला ऑडिटोरियम में आ जाओ। 2000 लोग आए। 2000 लोग, इतना बड़ा हॉल था, उसमें आए और 2000 लोगों को उसने 5 घंटे तक दुखों के ऊपर भाषण दिया। और 5 घंटे के बाद आखिरी लाइन बोली, अगर इन सारे दुखों से परमानेंट मुक्ति चाहते हो तो चारों तरफ साइनाइड की गोलियां रखी हुई है, जीप पे लगाओ, कार्यक्रम समाप्त। विश्व का सबसे बड़ा सुसाइड अटेम्प्ट था ये, जहां दुनिया में एक साथ 2000 लोगों ने सुसाइड किया। अगर एक आदमी मरने के लिए 2000 लोगों को शब्दों से तैयार कर सकता है, तो आप कुछ लोगों को उनकी जिंदगी में उनका आशियाना बेचना चाहते हो तो क्या नहीं लेंगे? लेंगे कि नहीं लेंगे? मरने के लिए तैयार कर रहा है ओसामा, आप जिंदगी के लिए तैयार कर रहे हो, क्या दिक्कत है?